Okay, students, now this is your part C. Five triangles are given below. The length of each side is given in centimeters. Write below each triangle its kind on the basis of its side. देखिए ये फाइव ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं और हर एक ट्राइंगल की जो साइड की मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में आपको दी गई है, राइट? आपको ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपको मालूम है हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं. तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू साइड्स इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड नो टू साइड्स इक्वल स्केलिन ट्राइंगल. मतलब स्केलिन ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स अलग अलग होती हैं. सो लेट सी द फर्स्ट वन. 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. इसकी दो साइड्स इक्वल हैं. दो साइड्स इक्वल हैं तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? उसके बाद हम देखते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स. मीन्स तीनों ही साइड्स अनइक्वल हैं. मीन्स कौन सा हो गया? ये स्केलिन ट्राइंगल. नेक्स्ट वन, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स. थ्री साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट वन इज 7, 5 एंड 3 सेंटीमीटर्स. मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल. मीन्स दिस इज अगेन अ स्केलिन ट्राइंगल. देन 4, 6 एंड 2. अगेन ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल. सो दिस इज ऑल्सो अ स्केलिन ट्राइंगल. नेक्स्ट वन इज 5 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो विद द मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स. राइट बिलो ईच ट्राइंगल इट्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स. अब आपको ये 5 ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं, अब इनके एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स के बेसिस पर आपको इनका नाम बताना है. ओके, सो लेट सी द फर्स्ट वन. 30 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री. ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. मीन्स लेस देन 90 डिग्री. सो दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. Acute angled triangle. Second one is, one angle is of 90 degree. Means right angled triangle. Next, 120 degree. Means obtuse angle. So this is obtuse angled triangle. Okay, 90, 50 and 40. One angle is of 90 degree. Means right angled triangle. ये आप इसको, इस वाले ट्राइंगल को आप एक्यूट एंगल नहीं बोल सकते हो क्योंकि इसमें एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के एंगल वाले ट्राइंगल को आप क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट? उसके बाद 20, 85. एंड थर्ड एंगल इज़ नॉट गिवन, राइट? तो अब हम देख लेते हैं कि थर्ड एंगल कितना होना चाहिए. देखिए आपको मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है. पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 5 105. ठीक है, इसका मतलब है अगर आप 80 में से 105 को माइनस करेंगे तो आपको 75 मिलेगा. मींस ये 75 डिग्रीज का एंगल होगा. हमारे लिए तीसरे एंगल का भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये फाइंड आउट करने के बाद ये 90 डिग्री या उससे ज़्यादा का एंगल हम इसको निकाल सकें. तो उसके लिए ज़रूरी था ये करना. दोनों एंगल्स का आप सम कीजिए, उसको 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा. थर्ड एंगल भी इम्पॉर्टेंट है आपका, राइट? तो अब 20, 75 एंड 85, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. सो ये कौन से टाइप का एंगल हो गया? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. सो योर एक्सरसाइज 11.1 इज ओवर.